अबेकस ज्ञान, सीखो और कमाओ। लो इन्वेस्टमेंट, फ्री फ्रेंचाइजी और घर से काम करके कमाने के लिए अबेकस लाया है 13 सबसे उपयोग किए जाने वाले कोर्स। इसमें से कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन सीख सकते हैं और किसी भी कोर्स को सीखकर खुद का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपकी मदद करेगा अबेकस ज्ञान। अबेकस ज्ञान आपको कोर्स से संबंधित जरूरी स्टडी मटेरियल जैसे कि कोर्स की सीडी डीवीडी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ फुल ऑनलाइन सपोर्ट भी करेगा। आप अपने एरिया में बच्चों को ये कोर्स सिखाकर उन्हें अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और इसमें आपकी मदद करेगा अबेकस ज्ञान। तो आइए जानते हैं अबेकस ज्ञान के इन 13 कोर्स के बारे में और इन सभी कोर्स का लाइव डेमो आप सेंटर पर विजिट करके देख सकते हैं। पहला कोर्स, अबेकस टीचर ट्रेनिंग एंड फ्री फ्रेंचाइजी। इस कोर्स में आप अबेकस का पूरी तरह से कैसे उपयोग कर सकते हैं सिखाया जाता है। अबेकस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में मिलती है। यह कोर्स सीखकर आप अपना इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं और बच्चों को अबेकस का उपयोग करना सिखा सकते हैं। दूसरा कोर्स, वैदिक मैथ बेसिक प्लस एडवांस। वैदिक मैथ से मेंटल मैथ इम्प्रूव होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे AIEEE, IITG, KET, UPSC और MCA को पास करने के लिए मेंटल मैथ का इम्प्रूव होना जरूरी है। इसीलिए आप यह सीखकर बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं और अपना वैदिक मैथ इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तीसरा कोर्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन यह सिक्स सेंस एक्टिवेशन प्रोग्राम है। यह लेफ्ट और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बढ़ा देता है जिससे बच्चों के छोटे छोटे सिग्नल्स को सेंस करने की तीव्रता बढ़ जाती है। बच्चे आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, टच को पहचान सकते हैं, स्मेल करके चीजों को पहचान सकते हैं और भी बहुत सारे काम बच्चे बंद आंखों से कर सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम को सीखकर आप अपना इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं। चौथा कोर्स, DMIT। जापान में की गई रिसर्च से पता चला कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे फिंगरप्रिंट से मैच करता है। इससे ब्रेन की क्षमताओं और वीकनेस को जाना जा सकता है। किसी बच्चे का ब्रेन क्रिएटिव है, इनोवेटिव है या लॉजिकल है, यह उसकी फिंगरप्रिंट के अध्ययन से पता लगाया जा सकता है। DMIT कोर्स सीखकर आप आसानी से बच्चों को गाइड कर सकते हैं और खुद का इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं। पांचवा कोर्स, हैंडराइटिंग एंड कैलीग्राफी। एक अच्छी हैंडराइटिंग टीचर और स्टूडेंट के व्यक्तित्व को दर्शाती है। खराब हैंडराइटिंग को वैज्ञानिक तरीकों से सुधार कर अच्छा बनाया जा सकता है। इस कोर्स में वही वैज्ञानिक तरीके आपको सिखाए जाते हैं। कैलीग्राफी यह लिखने की एक कला है। यह लिखावट को एक अलग ही रूप में बदल देती है। अधिकतर बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, इसीलिए आप उन्हें सिखा सकते हैं। छठा कोर्स, न्यूमोनिक्स एंड मेमोरी। न्यूमोनिक्स यह मेमोरी साइंस है। यह मेमोरी पावर को बढ़ा देता है। इस साइंस में बड़ी से बड़ी डिक्शनरी को, किसी डायग्राम को या 1 से 100 नंबर पर रखा कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से याद रखा जा सकता है। इस कोर्स में वही साइंटिफिक टेक्निक आपको सिखाई जाती है जिसे सीखकर आप भी न्यूमोनिक्स इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। सातवां कोर्स, फोनेटिक। फोनेटिक एक मेथड है जिससे बच्चों को इंग्लिश के वर्ड का सही प्रोनाउंस कैसे किया जाए सिखाया जाता है। जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते उन बच्चों के साथ हमेशा यह प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वे हमेशा गलत उच्चारण करते हैं। फोनेटिक का कोर्स ऐसे डेवलप किया गया है जिसकी प्रैक्टिस से बच्चे वर्ड का सही प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। यह कोर्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आठवां कोर्स, क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग यह मिड ब्रेन का हायर लेवल है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद बच्चे आंख बंद करके किताब पढ़ सकते हैं। क्वांटम स्पीड से वो किताब के कंटेंट को स्पीड से रीड कर सकते हैं। बच्चे 200 पेज की किताब को 2 मिनट में बिना देखे रीड कर सकते हैं। इसका लाइव डेमो आप अबेकस ज्ञान के सेंटर पर आकर देख सकते हैं। नौवां कोर्स, ESP एंड फोटोग्राफिक मेमोरी। चीजों को इमेज के रूप में याद रखने को फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। हम सभी में एवरेज फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। इस कोर्स में चीजों को ज्यादा से ज्यादा इमेज के रूप में कैसे याद रखा जाए सिखाया जाता है जिससे फोटोग्राफिक मेमोरी बढ़ जाती है और बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। दसवां कोर्स, टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस। टेलीपैथी यह बिना बोले माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करने का साइंटिफिक तरीका है। इससे दो व्यक्ति अपने अपने माइंड से तरंगों और सिग्नल को भेजकर कम्युनिकेशन करते हैं। ब्रेन की पावर से फिजिकल ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करने को टेलीकाइनेसिस कहते हैं, किसी वस्तु को हिलाना या गिराना। इस कोर्स में आपको टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस के साइंटिफिक टेक्निक सिखाई जाती है जिन्हें सीखकर आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। 11वां कोर्स,
डिजिटल मार्केटिंग। प्रोडक्ट और सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इस कोर्स में आपको प्रोडक्ट और सर्विस को सोशल मीडिया गूगल पर सही तरीके से प्रमोट कैसे किया जाए सिखाया जाता है। यह आप सीखकर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट ओपन करके बच्चों को यह सिखा सकते हैं। 12वां कोर्स रोबोटिक्स। रोबोटिक्स यह बच्चों के लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव एजुकेशन है। इस कोर्स में रोबोटिक्स के बेसिक और एडवांस फंक्शन सिखाए जाते हैं। सोलर एनर्जी का उपयोग करके रोबोट कैसे बनाया जाए और ये सब इस कोर्स में सिखाया जाता है। इसे सीखकर आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में सिखा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल मैथ इम्प्रूव और मेमोरी पावर को बढ़ाने से संबंधित है, जिसमें से किसी भी प्रोग्राम को आप सीखकर आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं और इस प्रकार की सर्विस आप मार्केट में लोगों को और बच्चों को दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप abacusgyan.com पर विजिट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित जानकारी के लिए आप अबेकस ज्ञान के संस्थापक ललित शर्मा जी से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अबेकस ज्ञान, सीखो और कमाओ। धन्यवाद।